ये जो स्टेटमेंट दिया है, सबसे पहले उसका मीनिंग समझो कि ई नॉट क्या होता है। ई नॉट होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। और हाईली पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो ये रिड्यूस्ड फॉर्म है ना, ये ज़्यादा स्टेबल है। ओके, और ये जो ये रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसमें इनका कम है ना, बोल रहे हैं ना कम है, तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीडाइज फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है। ये ऑक्सीडाइज फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। ये स्टेटमेंट का मीनिंग है। अब आपसे रीज़न पूछ रहे हैं कि रीज़न क्या है कि ये जो Mn2+ है या Mn3+ से ज़्यादा स्टेबल क्यों है, रिड्यूस्ड फॉर्म ज़्यादा स्टेबल क्यों है, रीज़न क्या है कि ये देखो जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी Mn की इज़ मच लार्जर ड्यू टू स्टेबल हाफ फिल D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Mn2+। जब स्टेबल कन्फिग्रेशन है तो Mn2+ से वो Mn3+ में कन्वर्ट क्यों होगा, क्यों ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि Mn2+ जो है वो Mn3+ में इजीली नहीं कन्वर्ट होते हैं, उनको बहुत हायर एनर्जी चाहिए होती है ऑक्सीडाइज करने के लिए Mn3+ स्टेट में। ओके, और रीज़न क्या है कि ये Mn2+ जो है वो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन के कारण 3D5 होने के कारण बहुत स्टेबल कन्फिग्रेशन है, जबकि Mn3+ में तो 3D4 है, तो क्यों कन्वर्ट होगा 3D5 से 3D4 में, है ना। इसीलिए जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाईली पॉजिटिव है, क्योंकि वो रिड्यूस्ड फॉर्म में ही रहना चाहता है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता। लेकिन Cr3+ जो है ज़्यादा स्टेबल है Cr2+ से, है ना, ऑक्सीडाइज फॉर्म। क्यों? क्योंकि 3D3, आप बोलोगे 3D3 में कैसे स्टेबिलिटी बढ़ गई, ये T2G ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, इसमें डी में भी 5 ऑर्बिटल होते हैं ना टोटल, उसमें से 3 ऑर्बिटल जो होते हैं T2G लेवल के होते हैं, तो 3D3 में ही हाफ फील्ड हो गए T2G से, तो एक्सचेंज एंथैल्पी बढ़ जाती है उनकी, और हाफ फील्ड T2G ऑर्बिटल के कारण 3D3 ज़्यादा स्टेबल होता है। ये Fe3+ भी इसी तरह से Fe2+ से ज़्यादा स्टेबल होता है, वो तो आपको उस रीज़न समझ में आ रहा है कि 3D5 कन्फिग्रेशन है Fe3+ में, और Fe2+ में 3D6 है, तो चाहेगा कि ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसको स्टेबल हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन मिल जाए। रीज़न समझ में आया आपको कि इसमें थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी Mn की ज़्यादा क्यों है बहुत, क्योंकि स्टेबल 3D5 ऑर्बिटल के।